दोस्तों आप क्या जानते हैं, ये जो शांति लता आपको पौधा दिख रहा है, पर ये पौधा में बीज भी उपलब्ध हम कर सकते हैं। ये चीज आप जानेंगे तो बहुत ही हैरान होंगे। ये शांति लता का बीज आप ग्रो कर सकते हैं, तो आइए बताते हैं इसका बीज कहाँ मिलता है। साइप्रस वाइन के बारे में, जिसे आप लोग इसे स्टार गोल्डी भी कहते हैं, और इस फूल को लगाना बहुत ही आसान है, और ये आपका फूल खिला हुआ रहता है। हमने इसे देखे हैं 3 बजे तक, और आपको ये चीज़ मालूम नहीं होगा कि हम ये पौधा को, इसी पौधे से हम बीज को उपलब्ध कर सकते हैं। तो आज बीज के भी बारे में बताएंगे और 2 पौधे के बारे में बताएंगे। जो वो पौधा है, ये हमारा है शांति लता। दोस्तों शांति लता जो पौधा है, इसे बहुत ही कम लोग जानते हैं कि इसमें बीज होता है, पर ऐसा नहीं है कि बीज हमारा कहीं से दिखता है। ये चीज़ हम भी जानकर हैरान हुए थे कि इसमें बीज होता है, तभी तो इधर उधर इसका पौधा हमें मिलता है। आप भी कहीं इसका पौधा आप देखे होंगे, तो आप जरा सा इसमें आप सोचें कि इससे हमारा बीज आप कहीं भी नहीं देखे होंगे। तो इसका बीज कैसे उगता है और किस तरह होता है, इसका हम बात नर्सरी में भी किए थे, क्योंकि आपको ये चीज़ मालूम होगा कि हम नर्सरी से जुड़े हुए रहते हैं, और कुछ नर्सरी से हम इसका कोर्स किए हैं। तो कोई भी चीज़, कोई भी तरह का हम वीडियो बनाते हैं, तो वो हम पक्का बनाते हैं, ताकि आपको कभी भी गलत फहमी या गलत वीडियो बनाकर हम नहीं डालते हैं, कि ताकि हमारे व्यूअर लोग को तकलीफ हो और हम गलत उसको राय दें, ताकि, क्योंकि हम जो बताएंगे वो आप अपने घर में फॉलो करेंगे, और फॉलो करेंगे तो उसमें आप खरा नहीं उतरेंगे, तो हमें सोचेंगे क्या मैडम किस तरह का वीडियो बनाते हैं, हमारा मेहनत भी बेकार हुआ। तो जी नहीं दोस्तों, इसका बारे में कंफर्म है कि इसका बीज होता है। तो बीज कहाँ होता है, इसमें आप इसे, इस फूल को आप तोड़ें, इस फूल को तोड़कर आप देखें बीच में, इस बीच में आप यदि देखेंगे तो आपको राय जैसा दिखेगा। तो इसे क्या करना है, हल्का सा तोड़ना है, जैसे कि हम बीच से चीरा लगाए हैं, 2 भाग कर दिए हैं फूलों का। तो इसमें आपको बीज इस अंगूठे की मदद से तो यहाँ पर आ गया आपका राय। राय जो होता है उससे भी कहीं ज़्यादा छोटा होता है इसका बीज, आपको दिख रहा होगा थोड़ा सा, जिस तरह से आप बोल सकते हैं कि एकदम छोटा सा राय। इधर से भी हम ले लेते हैं, तो इसका जो राय दिख रहा है आपको, बिल्कुल राय, राय का जैसा, तो इसका बीज इस तरह होता है। तो आप कहेंगे कि ऐसे हम तोड़कर बीज को लगाएं, तो इसमें आप रिजल्ट मिलेगा ही मिलेगा। क्या कहना है कि आप कभी भी इस तरह का बीज लगाते हैं, तो बीज से आप चीरा लगाएं, और चीरा लगाने के बाद आपको बीज को निकालना नहीं है, केवल इस तरह से आपको क्या करना है, चीरा लगा के, इस तरह से चीरा लगा के बीज को नहीं निकालना है, और किसी भी गमले में आप छींट दें, जैसे कि ये गमला है, इसमें हम डाल दिए। तो इससे क्या होगा, 8, 10, 15 बीज को आपको इस तरह से, यहाँ देखो, तो इससे क्या होगा, 8, 10, 15 जितना भी आपको फूल इस तरह का मिले, आप बाहर से, या ये शांति लता है, इसे कहीं भी आपको पौधा इस तरह का मिलता है, तो केवल इसका फूल तोड़ के लेके आए। ये फूल आपको ये भी बताएंगे कि फूल लगाने से आपका घर में क्या वृद्धि होता है, और इसे लगाने के लिए हर कोई घबराते हैं। क्यों घबराते हैं, क्योंकि इसका जो लता होता है तो घर को पूरा फैला देता है। तो इसे हम शांति लता लगाने के लिए, आप देख सकते हैं, हम बहुत ही छोटा जगह में लगाए हैं, और इसे हम कैसे कवर किए हैं, जो हमारा कहीं से भी ये पौधा जो है फैल नहीं रहा है, और बहुत ही खूबसूरत तरह से हम इस तरह से क्या किए हैं, एक डंडा का मदद से आपको यहाँ दिखाते हैं, आप देख सकते हैं, इसे हम एक प्लास्टिक में लगाए हैं, बहुत बड़ा प्लास्टिक दिए थे, और इसमें एक स्टिक, आप देख सकते हैं, यहाँ नीचे से हम स्टिक को बीच में डाले हैं, और यहाँ हमारा पौधा है। तो इस पौधा को हम छोटा से ही सींचे हैं, और सींचने के बाद जैसे जैसे ये लंबा हुआ है, उस तरह से इसमें कवर किए, जब देखें कि ये हमारा इससे भी बाहर जा रहा है, तो इसी में एक तार बांधे हैं,
और तार बांधने के बाद आपको वहाँ पर उस जगह में आप देख सकते हैं, वहाँ पर हम कांटी यानी कि कील को ठोक कर और इस तरह से हम किए हैं, ताकि इसमें हमारा ये पोलोथीन में दो तरह का पौधा है, एक है आपका स्टार और दूसरा है ये हमारा शांति लता, तो इसी में हम कवर करके तो कहीं से ये पौधा हमारा फैल नहीं रहा और ये पौधा हमें बेहद पसंद है। और इस तरह का फूल यदि घर में खिलता है तो इसमें आपको लगेगा खुशबू नहीं आ रहा है, खुशबू आता है और इतना आता है कि जब आप शाम को यानी 6 से 7 के बीच में आप अपने गार्डन में आते हैं तो इसमें ऐसा लगेगा कि हम पौधा रात रानी का लगाए हैं, इसका जैसे इत्र के जैसा खुशबू फैलता है। पर इसका फूल आप तोड़ के सूंघेंगे तो आपको खुशबू नहीं लगेगा। कभी भी आप किसी के बस्ती से या किसी का चौराहे से या किसी के रास्ते से आप पार होते होंगे तो एक खुशबू फैलता होगा, तो खुशबू इसी चीज़ का रहता है ताकि ये रात के समय खुशबू फैलता है। और खुशबू फैलने से क्या होता है, क्योंकि रात और सुबह यानी ब्रह्म मुहूर्त के समय में हमारे भगवान भ्रमण करते हैं और ये खुशबू जो फैलता है तो इसमें हमारे भगवान जो हैं खींचे चले आते हैं। ये तो हो गया शांति लता का, पर अब इसका बीज आपको दिखाना है कि इसका बीज कहाँ होता है और कैसे होता है। दोस्तों इसमें फूल था, बीच में फूल था हमारा, इस तरह का फूल था, ये फूल सूख गया। यदि आप यहाँ से फूल तोड़ देते हैं तो बीज बिल्कुल नहीं बनेगा, और आप फूल नहीं तोड़ते हैं तो बीज आपको इसी गांठ से बनेगा, आप देख सकते हैं। और इसका हम पूरा पका हुआ भी बीज दिखाएंगे, ये देख सकते हैं, ये हमारा जो है कच्चा बीज है, ये हमारा जो है, और इसमें 4 बीज निकला, यानी ये बीज हमारा होगा नहीं क्योंकि हम कच्चा बीज को आपको दिखाने के लिए इस तरह से तोड़े हैं। अब आइए हम दिखाते हैं इसका पका हुआ बीज। तो दोस्तों जो ये स्टार का पौधा आप देख रहे हैं तो इसमें ये हमारा पौधा सूख चुका है और इसे हम सुखाएं इसलिए हैं ताकि इससे हम इसका बीज ले पाएं और इसका बीज जो है हम स्टोर करके रखें, क्योंकि इस सीजनली है तो सीजनली से ये हमारा पौधा उगता है। तो इस तरह का हम देखिए, इसका फूकने से इसका क्या हुआ, इसका जो छिलका है उड़ गया और इसका आप बीज देखें तो किस तरह से एकदम काला काला है, केवल राय का जैसा, पर राय का आकार का नहीं है, ये हल्का लंबा आकार का है। और ये बीज आप स्टोर करके साल भर 2 साल रख सकते हैं और इसका आप बीज ले सकते हैं, केवल हाथ से आप तोड़े बहुत ही आसानी से ये बीज हमारा टूट जाता है। आप बीज देख सकते हैं, हम बार बार इस चीज़ को दिखा रहे हैं ताकि मेन बात है कि पौधा लगाना और पौधा के बारे में समझना ये बेहद ही ज़रूरी है, क्योंकि हम जब कोई भी पौधा लगाते हैं तो पौधा के बारे में समझना कि कौन सा पौधा हमें बीज देता है, कौन सा पौधा कटिंग द्वारा लगता है, तो ये सब जो जानकारी होता है हम बहुत ही आसानी से आपको इस चीज़ के बारे में समझाते हैं, ताकि इस तरह का पौधा फिर नेक्स्ट टाइम आप खरीद कर ना लाएं, आप घर पर ही तैयार कर सकते हैं और जितना चाहें उतना पौधा तैयार कर सकते हैं। ये पौधा बेहद ही आसानी से उगने वाला पौधा है, आप चाहें तो किसी गमले में पौधा लगा हुआ उस बीच में भी आप छिड़क दें, जब ये छोटा बेबी प्लांट निकले तब इसे दूसरे जगह आप कन्वर्ट कर सकते हैं। पहला वाला। तो दोस्तों इस तरह का यदि पौधा आप लगाए हैं या नर्सरी से लाए हैं, तो यदि नहीं लगाए हैं तो आपको लगाने के लिए तरीका बताएं, यदि लगाए हुए हैं आपको ये चीज़ मालूम नहीं कि इससे हमें बीज उपलब्ध हो सकता है। और दोस्तों एक बात और बताना चाहते हैं कि ये जो पौधा है इसके नीचे से भी प्लांट को निकलता है, तो आप चाहें तो इसका नीचे से भी छोटा प्लांट निकाल सकते हैं, नहीं तो आप इसे बीज द्वारा भी ग्रो कर सकते हैं। पर इसका बीज किसी गमले में छींटकर भी उपलब्ध कर सकते हैं, और नहीं तो आप केवल मिट्टी में यानी मिट्टी रेत नारियल का भूसा में भी आप इसे उपलब्ध कर सकते हैं। तो दोस्तों ये चीज़ आपको जानकारी बहुत ज़रूरी है कि इसका फर्टिलाइज़र जो होता है, इसका खाद जो होता है, आपको क्या देना है। तो दोस्तों आप आलू प्याज का पानी में डालकर वो फर्टिलाइज़र आप दे सकते हैं। यदि बाहरी आप खाद देना चाहते हैं तो इसे यूरिया खाद बहुत ही पसंद है, यूरिया खाद आप 15 दिन में 10 दाना इसमें डाल दें तो इसका पत्ता जो है ग्रीन ग्रीन रहता है, इसका फूल का आकार साइज
बड़ा होता है और कलर भी डार्क कलर होता है। तो दोस्तों इस तरह का जानकारी वीडियो हमारा कैसा लगा? अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।